हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ गौरव सैनी और हम कर रहे हैं तैयारी आरआरबी एनटीपीसी साइको के एसएम के लिए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 13, ठीक है। एंड इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं एंड विद्यासागर के आई थिंक हम 13-14 प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो जो नए बच्चे हैं पहले जाके उसको देखें कि उसमें कैसे मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंड बाद में इन प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करें। नए बच्चे हैं सबसे पहले प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसके अंदर क्लासिफिकेशन की, पर्सनालिटी की, शॉर्टेस्ट रूट की, सभी की बहुत वीडियो हैं, ठीक है। तो उनको जाके जरूर चेक करें। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, समय सीमा हमारे पास कमी है, फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन था L2B, ये प्रीवियस सेट है, इसको मैंने सेट चेंज कर दिया क्या, सेट चेंज करता हूँ पहले मैं। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास सबसे पहले L2B। देखो L2B के अंदर जो बच्चों ने आंसर बताया वो सही है, आंसर इसका नो ही होना चाहिए, ठीक है। आंसर इसका नाइन ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से सिंपली हम जाएंगे एंड यहाँ से नाइन को उठा के एंड ऊपर जाके और सीधा वी पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। आंसर इसमें टू दिया हुआ जो गड़बड़ है, ऊपर जाएंगे यहाँ से सीधा फिर ऊपर जाएंगे, टर्न बढ़ेगा हमारे पास एंड उसका कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे, पाथ सेम रहेगा। नेक्स्ट हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 5th, E2X। देखो बच्चों E2X जाने के लिए सिंपल पाथ है, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे एंड 5 को लेके नीचे आ जाएंगे X पे, ठीक है। एंड फिर शायद आपको डाउट लगा होगा कि 7 को लेके भी चल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास नंबर इसके अंदर टर्न ज़्यादा है, 7th के अंदर काउंट करके देखना, 7th के अंदर जो टर्न है वो ज़्यादा है। अगर 7 वाला पाथ मैं लेता हूँ तो नंबर ऑफ जो क्या नाम है रूट की जो लेंथ है वो तो शायद बराबर ही है एंड टर्न ज़्यादा है। देन उसके बाद 7th है हमारे पास क्वेश्चन, 7th पूछा था S2K के अंदर। यार ये तो सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो S2K के अंदर तो सिंपल, यहाँ से मैं 2 को लेके चला जाऊँगा नीचे, खत्म कहानी, ठीक है। सिंपल 2 को लेके चला जाऊँगा, इसका आंसर 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देन पूछा था आपने 24 भी सबको डाउट आया है, क्यों डाउट जब आया जब क्वेश्चन गलत है, बच्चे यानी इतने खतरनाक हो गए हैं, उन्हें पहले पता चल जाता है क्वेश्चन कौन सा गलत है। सिंपल है ये तो यार, यहाँ से हम जाएंगे और आंसर 6 ही होना चाहिए, शायद आंसर 7 पता नहीं कितना दे रखा है, बिल्कुल गलत आंसर है, इसका आंसर 6 ही होना चाहिए, ठीक। देन पूछा था शायद 22वां N2J, N से J जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। N से J जाने के लिए 6 को ले लो आप, सिंपल है, यहाँ से सिंपल हम ऊपर जाएंगे, क्या नाम है यहाँ से इसका कोर्न, इसका यानी ये लेंगे तो इसको काउंटिंग कर सकते हैं हम एंड यहाँ से मैं 6 को लूँगा एंड 6 पे चला जाऊँगा, ठीक है, हो गया ये भी हमारे पास। तो जो 3-4 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब आते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है ना। इसको लगाता हूँ मैं टाइमर, आप 8 मिनट का टाइमर होगा एंड हर स्लाइड के ऊपर आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 40 क्वेश्चन हो गए, 8 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। आइए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी दोस्तों, तो आंसर्स आप यहां से मैच कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। एंड मैं यानी कल जो रिजल्ट आया है, अगर उसके अंदर कोई बच्चा एक दो नंबर से रह गया हो तो उसके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी यानी आपको निराश नहीं होना है। आप एक तैयारी कर रहे हैं एक एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब यानी लेने के लिए काफ़ी टाइम निकल जाता है, साल रेलवे नहीं देखो कितने साल लगा दिए, ठीक है, 2-3 साल निकल गए हैं। लेकिन क्या है, आपको बस डटे रहना है, कोई ना कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसके अंदर आपकी कहीं ना कहीं यानी कि सेटिंग हो ही जाएगी लास्ट के अंदर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि तैयारी के अंदर जुटे रहो, बस पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस सेट देते रहो, कोई ना कुछ सॉल्व करते रहो, बस लगे रहो। अगर लगे रहोगे तो कभी ना कभी आपकी जो आपने मेहनत की है वो आपकी सफल आपकी कभी ना कभी जरूर होगी, ठीक है। अगर आप छोड़ के दूसरे फील्ड के अंदर घुस गए तो बस फिर ख़त्म हो गया, जितनी जो मेहनत थी वो सब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मैदान में बने रहें, छोड़ के ना भागे बस, ठीक ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल स्टडी गाइड। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आपको मिले। ओके बाय।